بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي तमाम तारीफ़ें अल्लाह रबुल्ज़त के लिए हैं कि जिसने हमें पैदा किया दीन इस्लाम और ईमान जैसी अजीम नमत अता की सल्लल्लाहु अलैहि सलीलसम का उम्मती बनाया और आप सलीलव ने हमें दुनिया की ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा और तरीक़ा भी सिखाया और आख़रत बनाने के तरीक़े भी सिखाए दस काम ज़िंदगी में ज़्यादा ना करें जी हाँ ये हमें हमारी शरीय सिखाती है और आइए देखते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये दस काम कौन से हैं तो सबसे पहले देखिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास ऐसे जायज़ आमाल हैं यानी ये जो दस आमाल मैं आज आपसे शेयर करूँगी ये बज़ाहर जायज़ आमाल हैं लेकिन इनके ज़्यादा करने से मना किया है क्योंकि जब इनको ज़्यादा किया जाता है तो ये क़राहत के ज़ुमर में यानी नापसंदीदगी के ज़ुमरे में दाखिल हो जाते हैं और फिर इससे ख़राबियाँ पैदा होने लगती हैं और इससे बहुत सारी फजूल बातें सामने आती हैं यही वजह है कि हमें ऐसे आमाल और अकवाल से रोका गया है कि ये दस आमाल और अकवाल ज़्यादा ना किए जाएँ तो इनमें सबसे पहला है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक लातुक सिर गह ज़्यादा हंसे नहीं आप वसल्लम फरमाते हैं ला तुक सरोदाह ज्यादा हसो नहीं फइन्ना कसरत अबाही तुमीतुल तुमी ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा करता है बजाहर देखा जाए तो हंसना कोई हराम फेल नहीं है लेकिन अकरम अक्रम अलैहि वसल्लम ने कसरत से हंसने से रोका है ज्यादा हंसने से रोका है और इसकी खराबी यह बयान फरमाई कि इससे दिल मुर्दा होता है और ज्यादा हंसने वाला जो इंसान है वो आखरत के मामलत में गफ़लत का शिकार होने लगता है क्योंकि उसकी यह आदत बन जाती है कि वो कसरत से हंसना चाहता है और हंसाना चाहता है और इस चक्कर में बाजात वो झूठ की तरफ माइल होने लगता है और झूठ बोलता है ताकि खुद भी हंसे और दूसरों को भी अपने साथ हंसाए और इस बात से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर मना किया है आ, सही यह हसन हदीस है और इसे तिरमिजी ने रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वही लुल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीसी तबाही है उस शख्स के लिए जो कोई बात करता है लियुदहिका बिहिल कौमा सिर्फ इसलिए कि इससे दूसरों को हंसाए फयकदिबु और वो झूठ बोलता है यानी झूठी बात करता है वही लहू तबाही है उसके लिए वही ख़राबी या तबाही है उसके लिए औके एक और रिवायत के मुताबिक यहाँ वही से मुराद जहन्नुम की एक वादी भी है लिहाजा ये बहुत बड़ी गलती है कि इंसान मजाक को अपनी आदत बना ले और हमेशा ही मजाक में लगा रहे और उसमें इतना ज़्यादा आगे चला जाए कि फिर उसे झूठ भी बोलना पड़े और वो झूठ बोलने की आदत में बुरी आदत में मुब्तला हो जाए और हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना कबीरा गुना है और हराम है लिहाजा बेहशियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हंसा नहीं करते थे बल्कि सिर्फ मुस्कुराया करते थे और ये जो हद से ज्यादा हंसना है इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ तबइन और साहबा कराम रजवानल आल अजमाइन के अकवाल भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा हंसने की खराबियों को और इससे जो बिगाड़ पैदा होता है इंसान के अमल में उसको ज़ाहिर किया है उमर अबिनख़ रज़ील त फरमाया करते जो बहुत ज़्यादा हंसता है उसके इज़्ज़त और वक़ार में कमी होने लगती है आमिर अबिन कैस कहते हैं कि मैंने हजूर अक्रम सल्हसम के कुछ साथियों के साथ वक्त गुज़ारा तो उनसे जो बातें सीखी उनमें से एक ये थी कि जो लोग दुनिया की ज़िंदगी में ज़्यादा हंसते हैं वो क़यामत वाले दिन ज़्यादा रोएंगे और उसकी वजह यही है कि जो ज़्यादा हंसते हैं यकीनन वो ज़्यादा हंसने हंसाने के लिए बसा औकात झूठ का भी सहारा ले लेते हैं तो उसके नतीजे में एक हराम और कबीरा गुनाह के मरतकब होते हैं और फिर क़्यामत वाले दिन उन्हें इस वजह से बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा इमाम हसन बसरी रहमत फरमाते हैं बहुत ज़्यादा हंसना दिलों को मुर्दा करता है इब्न हिब्बान बसी रमतल फरमाते हैं हमाकत या बेअली या नादानी की तीन निशानियां हैं और उनमें से एक ये है जवाब देने में जल्दी करना तहक़ीक ना करना और हद से ज़्यादा हंसते रहना इमाम अब्नयम रहमत फरमाते हैं कि बहुत ज़्यादा हंसने से अक्ल में कमी वाक़ होती है यानी ऐसा इंसान अक्लमंद नहीं रहता लिहाजा सबसे पहला काम जिससे हमारी शरीयत ने रोका है कि हमने इससे बाज आना है और वो ये है कि ज़्यादा हंसा ना जाए आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि दस काम ज़्यादा ना करें दूसरे नंबर पर जिस काम से हमारी शरीयत ने हमें रोका है वो ये है कि खरीदो फ़रोख्त करते हुए ख़ास तौर पर और आम जिंदगी में ज़्यादा कस्में ना खाई जाएं इस हवाले से सही मुस्लिम की रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ईया कुम व कसरतलहलफ़ी आप कसरत से झूठी कस्में खाने से बचें फिल बई ख़ास तौर पर सौदा करते हुए फ़न्नाफ़िकम हको हो सकता है कि इससे आपका सौदा तो हो जाए लेकिन इससे सौदे की ख़रीदो फरोख्त की बरकत मिट जाती है ये जो कसरत से कसम खाना है इसका भी नुकसान ये है और इसकी ख़राबी यह है कि इसमें इंसान इरादतन या बिला इरादा झूठ का शिकार हो सकता है या झूठ जैसी अजीम अल्लाह ताला की नाफ़रमानी का इरतक कर सकता है और फिर सबसे बड़ी बात यह है जो दुनियादारी के हवाले से इस हवाले से ख़राबी पैदा होती है वो ये कि लोग आहिस्ता आहिस्ता उस बेचने वाले पर एतबार करना और उसकी तस्दीक करना छोड़ देंगे इसी तरह से बहुत ज़्यादा कस्में खाने क्या एक नुकसान ये भी है कि इससे हो सकता है कि किसी की प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए लेकिन और बिक भी जाए लेकिन उसके बिकने के बावजूद उससे जो हासिल होने वाली आमदनी है उसमें से बरकत ख़त्म हो जाएगी इमाम नववी रहमत इस हवाले से फरमाते हैं के सल्लल्लाहु अलैहि सम की इस हदीस में दरअसल हमें इस बात से रोका गया है कि ख़रीदो फ़रोख्त करते वक्त ख़ास तौर पर कसरत से झूठी कस्में खाने या कसरत से कस्में खाने से बास आया जाए और वैसे भी आम ज़िंदगी में बिला ज़रूरत कस्में खाने को नापसंदीदा समझा जाता है और अगर इसके नतीजे में किसी का सामान बिक भी जाता है तो क्या होगा कि उस सामान से हासिल होने वाली जो आमदन है या मुनाफा है उसकी बरकत जाती रहेगी और सबसे बड़ी बात यह है या सबसे बड़ी खराबी सवाले से यह पैदा होती है कि अपने सामान को बेचने के लिए झूठी कसम खाना बहुत बड़ा गुना है और अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल्लाह इज़्ज़त क्यामत वाले दिन इस गुनाह का अरतक करने वाले यानी झूठी कसमें खा के अपने सामान बेचने वाले से क़यामत दिन बात भी नहीं करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासतमल़यामती तीन लोग ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह वाले दिन बात भी नहीं करेंगे और उनकी तरफ भी नहीं देखेंगे इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि उनसे उनका हिसाब किताब करने के लिए उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे उनसे बातचीत ही नहीं करेंगे ना उनकी मफ़रत की कोई चांस नज़र आएगा तो वो तीन लोग कौन से हैं रज उहल्फ़ अलासिल वो शख्स के जो अपने सौदे को बेचने के लिए किसी किस्म की कसम उठाता है और उससे ज़्यादा जाहिर करता है जो उसके सौदे में है और वो झूठा है और वो शख़्स जो कि झूठी कसम उठाता है और ताकि इससे किसी दूसरे मुसलमान का माल हड़प कर सके तो किसी मुसलमान का माल हड़प करने के लिए और उसकी भी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं किसी दूसरे मुसलमान का हक़ मारने के लिए झूठी कसम उठाना कि नहीं ये इसका नहीं ये तो फ़लाँ का है तो ये हमें इस चीज़ से रोका गया है और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल मेहरबानी नोट कीजिए कि इन ताजरों को आप वसल्लम ने सिखाया इन बिज़नेस को कि मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल सिखाता हूँ कि जिसके नतीजे में ये जो ख़रीदो फरोख्त करते हुए आपसे गलतियाँ सरजद होती हैं उन गलतियों का कफ़ारा अदा हो जाएगा और वो ये है कि सदका किया जाए कैस इबन अभी गरजा कहते हैं कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुज़रे और हमें मुखातिब करते हुए फरमाया या माशरत तुजारी ए ताजरों की जमात ये जो तुम खरीदो फरोख्त करते हो इसमें बात तुम से लग्ब बातों का इरतकब हो जाता है और तुम झूठी कस्में खा बैठते हो फोबो हो बसदती लिहाजा अपने इस कारोबार को पाक कर लो सदक़े के जरिए से तो जो बात हमें सिखाई गई है वो ये है कि अव्वल तो कसम खाई ही ना जाए लेकिन फिर भी चूंकि इंसान खता का पुतला है बात भूल कर ऐसी गलती कर बैठता है जो अल्लाह रबुल्जत को पसंद नहीं तो उसका हल ये है कि अपना जो माल तजारत है उससे जो मुनाफ़ा हासिल हो उससे अल्लाह तला की राह में सदका कर दिया जाए ताकि इन गलतियों का कफ़ारा अदा हो सके जो एक ताजिर से सरजद होती हैं अपनी आ, सामान या अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हुए तीसरा काम जो हमें हमारी शरीयत सिखाती है कि बहुत ज़्यादा ना किया जाए वो है लातुक से रो ज़्यादा सवाल ना करें हजूर अक्रम सल वसम फरमाते हैं और यह हदीस है इन कर हलक सलासन अल्लाह ताला ने तीन बातों को तुम्हारे लिए सख्त नापसंद किया है क़ीला वाला कहते हैं और कहते हैं व इगातुलमाली और माल का ज़ाया करना व कसरतसआली और कसरत से सवाल करना यहाँ माए कराम का ये कहना है कि कसरत से सवाल करने का मतलब ये है कि ऐसी ऑब्सक्योर चीज़ों के बारे में क्वेश्चन किया जाए कि जिन के बारे में सवाल करना कोई ज़रूरी नहीं था या ये कि उनसे सवाल करने उनके बारे में सवाल करने के नतीजे में कोई फ़ायदा नहीं होगा ना तो उसे अपनी दुनिया का कोई फ़ायदा उससे पहुँचे ना आखरत का कोई फ़ायदा हो और ना अमली ज़िंदगी से उसका कोई तल्लुक़ हो मिसाल के तौर पर जैसे कोई ये सवाल करे कि यह जो आ, कहफ वाले थे उनके नाम क्या थे और वो च्यूटी जिसकी बात या जिसकी गुफगु को हज़रत सलीमान ने सुना वो उसका क्या नाम था इसी तरह से कराम का ये कहना है कि कसरत से सवाल करने के हवाले से इसमें यह भी शामिल हैं कि लोगों के बहुत पर्सनल मैटर्स के हवाले से सवाल किए जाएँ और कसरत से सवाल किए जाएँ जो कि उनको इरीटेट करते हैं इसका भी ताल्लुक़ मुसलमान से कतन नहीं है मिसाल के तौर पर किसी से ये पूछना कि आपकी सैलरी कितनी है या ये सवाल करना कि आपकी सेविंग कितनी है या ये सवाल करना कि आपका घर का महाना ख़र्च कितना है अब ये इंतहाई पर्सनल कस्म के क्वेश्चन हैं और किसी से इस तरह के सवाल करना बुनियादी अदब और मैनर्स और अखलाक के भी ख़िलाफ़ है यही वजह है कि हमारी शरीयत ने भी हमें यह सिखाया है कि हम ऐसे सवाल ना करें और इस हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक हदीस में फरमाते हैं कि हसन इस्लाम ये है यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा इस्लाम में हुसन पैदा हो हमारे दीन में हुसन पैदा हो तो हम हर उस चीज को तर्क कर दें जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और राम के मुताबिक इसमें कसरत से सवाल करना भी शामिल है लिहाजा लोगों से उनके मालों के बारे में सवाल करना और उनसे मांगना ये भी इसमें शामिल है तो तीन तरह के सवाल हैं नंबर एक ऐसे सवाल करना जिनका अमली तौर पर कोई फायदा नहीं जैसे मैंने आपसे कहफ वालों के नामों के बारे में सवाल करने की मिसाल दी लोगों के बहुत ज्यादा पर्सनल जो हालात हैं उनके बारे में सवाल करना यह भी बुरी बात है और तीसरे नंबर पर लोगों से बिला ज़रूरत मांगना जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास अपना कैलकुलेटर है लेकिन इसके बावजूद कोई शख्स चल पड़ता है और कहता है कि मुझे जरा ये कैलकुलेटर दे दें या प्लीज़ मुझे ज़रा अपनी चादर दे दें या प्लीज़ मुझे ज़रा अपनी गाड़ी एक दिन के लिए दे दें जबकि अपनी कार पोर्च में खड़ी है तो ये भी इसी नापसंदीदा कस्म के सवाल में शामिल है फिर इसी तरह से हमारे यहाँ यह भी आदत पाई जाती है कि अपने छोटे छोटे कामों के लिए हम इंसान दूसरों पर डिपेंडेंट होने लगते हैं मिसाल के तौर पर घर के अफराद एक दूसरे को या हॉस्टल में इकट्ठे रहने वाले ये कहते हुए पाए जाएंगे कि ज़रा ये मेरे लिए पंखा चला देना प्लीज़ ये मेरे कमरे की ल, आ, लाइट ऑन कर देना प्लीज़ ज़रा मुझे एक गिलास पानी ला दें तो ये सारा कसरत से दूसरों से सवाल करने के ज़ुमरे में दाखिल है और ये मना है तो ये तीसरा मैनर है या तीसरा काम है जिसके बारे में हमारी शरीयत हमें सिखाती है कि हमने ज़्यादा नहीं करना चौथे नंबर पर देखें कराम का ये कहना है कुरान और सुन्नत के मुाले से पता चलता है कि बहुत ज्यादा नसीहतें करना बहुत ही ज्यादा कर देना उससे भी नसीहत का असर जाया होने लगता है इबन मसूद रसूलल्लाह ताला रसिल्ला कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सलसम हमें ऑफ एंड ऑन नसीहतें किया करते थे ताकि कहीं हम बोर ना होने लगें उकता ना जाए तो हर वक्त ही अगर किसी को नसीहतें करते रहेंगे तो उसके नतीजे में उकताहट पैदा होने लगती है अभी वाइल रही कहते हैं कि अब्दुल्ला ने अपने घर में हर जमेरात का दिन मुकर कर रखा था जिसमें वो हमें बयान दिया करते थे सिखाया करते थे दीन के मामला तो वो इतना अच्छा सिखाते थे कि एक शख्स ने उनसे कहा कि काश आप रोज हमारे लिए इस तरह का सेशन किया करें तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ऐसा करने से ये बात रोकती है कि कहीं आप लोग और बोरियत का शिकार ना हो जाएं। तो मैं वक्तन फवक्तन यानी ऑफ एंड ऑन इसलिए करता हूँ जैसा कि आप सल वसन भी किया करते थे कि अगर मैं रोज ऐसा करने लगूँ तो उसके नतीजे में आप लोग बोरियत और उकताहट का शिकार होने लगेंगे लिहाजा ये हर वक्त ही नसीहतें करते रहना बहुत ज़्यादा नसीहतें करते रहना इसके नतीजे में नसीहत का जो असर है वो ज़ाया होने लगता है और लोग फिर बात नहीं सुनते इब्न हजर अलैह कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि जब हम किसी को सिखाना चाहें या नसीहत करना चाहें तो इस बात को बखूबी समझने की कोशिश करें कि क्या यह मुनासिब वक्त है इस वक्त पर मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और अगर हम हर रोज़ और हर वक्त ही ऐसा करने लगेंगे तो इस नतीजे में जिन्हें हम सिखाना चाहते हैं या नसीहत करना चाहते हैं वो बोरियत और उक्ताहट का शिकार हो जाएंगे और इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपने साथियों के लिए नरमी का पहलू भी पाया जाता है और ये कि आप उनके साथ अगर कांटेक्ट में रहते थे तो बहुत अच्छे तरीक़े से रहते थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझाते थे ताकि वो एक्टिवली आपसे आपकी एडवाइसेस को पिक कर सकें और कभी भी बोर ना हो और ना ही नापसंदीदगी का इजहार करें ना ही उकताहट का शिकार हों तो ये जो तदरीज के साथ तालीम देना होता है दूसरों को ग्रेजुअली सिखाना होता है ये ज़्यादा अच्छा होता है और इस पर आपका जो लर्नर है वो रिसप्टिव होता है और फिर जो ग्रेजुअली सिखाई जाती है बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा एक ही वक्त में सिखा दी जाए उसके मुकाबले में जो ग्रेजुअली सिखाई जाती है वो लर्नर की सबित कदमी में ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है और इसमें हमें इबिन मसूद रज़ील्ला तुम की यह ख़ूबी भी नज़र आती है कि वो किस तरह आगे अपने साथियों को सिखाते हुए हजूर अक्रम सलीसम की सुन्नतों की पैरवी करते थे और क़ौल और में आप सलील वसम के तरीक़ों के मुताबिक ही चलने की कोशिश करते थे रह गई ये बात के इल्म और फ़ि में बहुत ज़्यादा मेहनत करना जैसा कि हमारे बड़े बड़े क्राम ने किया है तो ये जाहिर है कि खवास हैं अवाम्नास नहीं थे ख़ास लोग जो कि अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं दीन का इल्म सीखने के लिए या दीन में फ़िक हासिल करने के लिए तो वो तो एक बहुत ही ख़ैर वाली बात है और वो एक अनफ़रादी चीज़ है वो एक ऐसी इजमाही चीज़ नहीं है कि जिसमें हर किसी को मजबूर किया जाए कि वो सीखे और इसका हुक्म भी अल्लाह ताला ने दिया है वक़ुर रबन इमा हमें यह सिखाया है कि अपनी दुआ में यह शामिल करें यह दुआ कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे पांचवा करने का काम जो कि हमने अपनी जिंदगी में ज्यादा नहीं करना और हमारी शरीयत हमें इस हवाले से गाइड करती है काबाती कि हमने जब काबा का तवाफ कर रहे हो उम्र की हालत में या हज की हालत में तो उस वक्त अपने आप को दुनियावी गुफ्तु में ज्यादा मशगूल नहीं करना और हमारे साल तवाफ में जब होते थे या जब अहराम बांध लेते थे चाहे वो उम्र के लिए बांधते या हज के लिए बांधते तो वो अपने आप को इबादत ही की हालत में कंसिडर करते और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अदब का तकाज़ा है और उसने इबादत भी है और वो कहा करते एहराम बांध लेना ऐसे ही है जैसे नमाज के लिए तकबीर तहरीमा यानि अल्लाह अकबर कहना है और इस हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इनम तवाफ़ो सलातन ये जो तुम्हारा तवाफ़ होता है ये नमाज के मुतरदफ़ है फ़ातफ़ तुम लिहाजा जब तुम तवाफ़ की हालत में हो फ़िल्कल तो कम से कम दुनियावी गुफ्तु में मशगूल हो वैसे तो ये गुफ्तु जायज़ है मुबा है लेकिन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए बहुत ही ज़रूरत हो तो किया जाए वरना इससे बचना चाहिए क्योंकि तवाफ़ एक ऐसी अजीम इबादत है कि जिसमें दरअसल हमें इस बात का मौका दिया गया है कि हम कसरत के साथ दुआ कर सकें अल्लाह तला के सामने गिड़गड़ा सकें और अपने लिए अपने प्यारों के लिए उम्मत मुसलिमा के लिए हर मुसलमान के लिए यहाँ पर दुआ करने की हम पूरी कोशिश करें यही वजह है कि हमारे साल तवाफ़ की हालत में दुनियावी अमूर पर गुफ्तु को पसंद ही नहीं करते थे यहाँ हम आज देखते हैं कि दीन की तालीमत का इल्म न होने के नतीजे में बहुत सारी ऐसी नाफरमानियाँ मुसलमानों से सरजद हो रही हैं जो अल्लाह रबालज्ज़त के साथ अदब के ख़िलाफ़ हैं हैंसन इबादत के ख़िलाफ़ हैं और तवाफ़ जैसी अज़ीम इबादत के तकदस और अहतराम के ख़िलाफ़ हैं मिसाल के तौर पर तवाफ़ के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना अल्लाह के घर में बैठ कर वीडियो बनाने में लग जाना जबकि वो वक्त इबादत के लिए था पूरी यकसुई और तवज्जो के साथ हर दुनियावी उमूर को तर्क करके सिर्फ अपने रब के साथ जुड़ने का वक्त होता है इसी तरह से बाज लोग इस तवाफ़ के दौरान भी अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर मसरूफ नजर आते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करने की बजाय उन्हें बता रहे होते हैं कि अब हम कहाँ पे पहुँच गए हैं हमारे साथ फना भी है इस तरह ना सिर्फ वो अपनी इबादत को ज़ाया करते हैं बल्कि दूसरों के खुशु और खजू में भी खलल डालते हैं तो आप देखिए कि ये कैसी इबादत है कि जिसके लिए इंसान इतनी मुशक्क़्क़्क़्कत करे और फिर रब पर घर में जा रब को नाराज़ करके वापस आ जाए और फिर इसी तरह से बाज लोग तवाफ़ की हालत में ख़रीदो फरोख्त की बातें करने लगते हैं सैर व सयाहत की बातें करने लगते हैं यही वजह है कि हमें हमारी शरीय ने सिखाया है कि तवाफ़ के दौरान गुफ्तु ना की जाए और दुनियावी गुफगु से ख़ास तौर पर अपने आप को दूर रखा जाए तो जब हम यहाँ अपने घर से निकलते हैं बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं तो हमें चाहिए कि अपनी दुनियावी परेशानियाँ गुफ्तु हर चीज़ को यहाँ छोड़ के अल्लाह के घर में दाखिल हों इसके बाद देखिए छठा काम जो कि हमारी शरीयत के तालीमात के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी में ज्यादा नहीं करना उसमें से एक ये है कि घर से रात के वक्त ना निकला जाए बहुत अफसोस की बात है आज के मुसलमान का दिन ही रात के अंधेरा छा जाने के बाद शुरू होता है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से शैतान ने हमें हर काम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी के रास्ते पर चला रखा है इस हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शाम या रात का अंधेरा छा जाने के बाद घरों से ना निकलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुछ ऐसी मखलूक हैं जिन्हें वो रात के वक्त ज़मीन में फैलाता है इस रिवायत को अबू दाऊद ने रिवायत किया है और ये सही है लिहाजा कराम के मुताबिक रात के वक्त घरों से बगैर किसी इंतहाई जरूरी हाजत के ना निकला जाए मिसाल के तौर पर कोई रात के वक्त बीमार हो गया है तो एमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है ये तो समझ में आने वाली बात है या किसी की डेथ हो गई है तो अब रात के बाद, अंधेरा छा जाने के बाद घर से निकलना पड़ रहा है ये तो एक समझने वाली बात है लेकिन अगर इस बात को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा ही बना लिया है कि हमने अपने सारे फंक्शन ही अंधेरा छा जाने के बाद करने हैं अपने सैर सपाटे रातों के वक्त करने हैं रात एक एक दो दो बज तक घर से बाहर गुजारना है तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई सुन्नत के मुनाफी है और आप अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों की मुखालफत है इस हवाले से हुजूर अकरम हजूर अक्रम ने हदीस में वाज तौर पर फ़रमा दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुछ मख्लूक़ ऐसी हैं जो दिन में सोती हैं और रात को ख़ुराक की तलाश में निकलती हैं लिहाजा अब उनका वक्त है अगर रात के वक्त इंसान भी बाहर निकलने लगेंगे तो यकीनन इन तकलीफ ते मखलूक़ की तकलीफ़ का शिकार होने लगेंगे सातवां काम जो कि हमें हमारी शरीयत सिखाती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ज्यादा नहीं करना वो ये कि हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान ना किया जाए अगरचे बोलना मुबा है जायज़ है लेकिन हर बात पे बोलना ज़रूरी नहीं है और हर बात पे बोलने वाला हो सकता है कि झूठ के, के दायरा कार में या झूठ जैसी झूठ बोलने जैसी अजीम नाफरमानी में मुबतला हो जाए क्योंकि अगर उसने ख़ास तौर पर तहक़ीक़ नहीं की और किसी भी सुनी हुई बात को के बारे में पता नहीं किया अभी कि यह सच है ये झूठ है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो भी उस झूठ बोलने वाले ग्रोह में शामिल हो जाएगा और उसके नतीजे में दुनिया और आखिरत में जो झूठ की सज़ाएँ अल्लाह ने रखी हैं वो उनका शिकार हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि लोग उसकी बात पर एतम करना ट्रस्ट करना भी छोड़ देंगे यही वजह है कि हमारी शरीयत हमें सिखाती है कि एक बावक़ार इंसान की ये निशानी है वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान नहीं करता क्योंकि ये भी झूठ ही की एक किस्म है आप सल्लासम का इरशाद है किसी शख्स के झूठा होने के लिए यह काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे आठवें नंबर पर जो काम हमने अपनी जिंदगी में ज्यादा नहीं करना वो ये कि अपने दोस्त अहबाब के घर बहुत ज्यादा जाने आने से गुरेज किया जाए हमारे यहां अक्सर ये देखा गया है कि अगर किसी से मोहब्बत होती है तो अब हर दूसरे दिन ही वहां पहुंचे हुए हैं रिश्तेदार हैं तो उनके घर जा जा के उनको तंग किया हुआ है जिज कर देते हैं ये बात ग़लत है बावकार और संजीदा तरीक़ा ये है कि कभी कभार मिला जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम दूसरों पर बोझ ना बने लिहाजा अपने किसी भी भाई या बहन के घर बहुत ज़्यादा जाना या उनके घर या अपने दोस्त अहबाब के घर बहुत ज़्यादा जाने से वो लोग तंग पड़ने लगेंगे उनके मामूलत ज़िंदगी मुतासर होने लगते हैं और उनके काम पीछे रहने लगते हैं कभी भी ये ना समझा जाए कि हम उनके घर जाते हैं तो बहुत अच्छे अखलाक से हमें मिल रहे हैं लिहाजा हम फिर चले जाएं बार बार उन पे जाके बोझ डालें यह बात गलत है और अक्लमंद इंसान वो है जो इस हवाले से एक मुतवाजन अप्रोच अपनाता है यही वजह है कि हजूर अक्रम सल्हसम ने अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के घर बहुत ज़्यादा जाने से रोका है ताकि वो उकताहट का शिकार ना हो बोरियत का शिकार ना हो और ताकि मोहब्बत कायम भी रहे और मोहब्बत बढ़ती भी रहे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को विज़िट करने से मोहब्बत कम भी होने लगती है और मोहब्बत की जगह नफ़रत लेने लगती है क्योंकि ज़ाहिर है जब हम किसी के घर जाते हैं तो उन पर बोझ आता है ये माली बोझ भी होता है ये काम का बोझ भी होता है तो आप सल्हसम फरमाते हैं ज़ुब्बन तज्द हब्बन कुछ कुछ अरसे के बाद मिला करो यानि कुछ अरसा छोड़ के मिला करो इससे तुम्हारी मोहब्बत में इजाफा होगा तो आप वसल्लम हमें वो तरीक़ा सिखा रहे हैं कि जिससे हम मोहब्बत में इजाफा करें यह बेवकूफ़ी और हमाक़त है कि हम किसी के घर जा जा के उसे इतना बोर कर दें कि उसके दिल में हमारे लिए एहतराम भी ख़त्म हो जाए और मोहब्बत भी ख़त्म हो जाए इस हवाले से रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने भाई की जीारत किया करो यानी उससे मिला करो लेकिन कुछ अरसे के बाद हर रोज़ ही उससे मिलने के लिए ना पहुंच जाया करो जब तुम उससे कुछ अरसे के बाद मिलोगे तो इसके नतीजे में उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत में इजाफा होगा और फिर वो तुम्हारे मिलने से बोर नहीं होगा और अगर तुम इस मिलने जुलने को कम कर दोगे तो इसके नतीजे में भी ताल्लुक ख़त्म होने का खदशा होता है ना तो बिल्कुल कम कर देना है ख़त्म कर देना है और ना ही हर वक्त दूसरों के घरों में बैठे रहना है दोनों ही बातें गलत हैं हाँ यहाँ एक्सेप्शनल केस ऐसे हो सकते हैं कि वो हमारे दोस्त अहबाब या रिश्तेदार जिनके साथ हम मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि अब हमें अपने काम और अपनी ज़रूरियात के लिए रोज़ाना मिलने की जरूरत है मिसाल के तौर पर अगर हमारा किसी के साथ बिजनेस मुश्तरक है या ये कि हमने अपने वालदेन को रोज़ाना मिलना है ताकि उनकी जरूरियात हमें पता चल सकें तो जाहिर है कि ऐसे में रोजाना किसी के घर जाने या उनसे मिलने या उनके घर में जाके उनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं है नावा काम जो हमें हमारी शरीयत सिखाती है हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नहीं करना वो ये कि किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम ना किया जाए चाहे हमारे पास उसके ख़जाने ही क्यों ना हो इस हवाले से देखिए देखिये आराफ़ की आयत नंबर थर्टी वन में रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है वलूँ व श्रभु वाला तरफ़ु खाओ और पियो और इसराफ ना करो इन्ना ला युहिब्बुल युहबुलमसरफ़िन अल्लाह तला हद से ज़्यादा गुजर जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से इरशाद है कुलू खाओ वशरबु और पियो वल बसु और पहनो व तसदकु और अल्लाह की राह में ख़र्च करो और इसराफ ना करो और ना ही दिखावे के लिए या इतराने के लिए करो इब्ने अब्बास रज़ी तुम्हारा फरमाते हैं जो चाहो खाओ और जो चाहो पहनो लेकिन दो गलतियाँ कभी ना करना हद से ज़्यादा और इतराने के लिए और दिखावे के लिए इब्ने हजर रहमे फरमाते हैं कि इसराफ क्या है इसको समझने की ज़रूरत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने पीछे भी आपसे मेंशन की थी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तीन चीज़ों को नापसंद किया है व इबातुलमाली और माल को ज़ाया करना तो ये जो इसराफ है ये दरअसल माल को ज़ाया करने के मुतरफ है अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इसफ़ है इसकी तारीफ़ क्या है तो कराम ये कहते हैं हर वो दरहम और दीनार जो हराम काम पे ख़र्च किया जाए अल्लाह ताला की नाफरमानी पे ख़र्च किया जाए वो इसराफ और माल को ज़ाया करने के ज़ुमर में आता है मिसाल के तौर पर आपने अपने ड्राइंग रूम को डेकोरेट करना था आपने एक स्टैचू ख़रीदा ताकि अपने ड्राइंग रूम को आप डेकोरेट कर सकें अब ये जो स्टैचू पर पैसा खर्च हुआ है यह अल्लाह तला की नाफरमानी पर ख़र्च करना है ये माल का जाया करना है और ये इसराफ के जुम्रे में आता है इसी तरह से मिसाल के तौर पर अगर आपकी जरूरत पांच या या रोजाना का एक जोड़ा है लिबास का और आपके वार्ड्रोब में पचास के करीब लटके हुए हैं जैसे एक दफा मेरे पास एक खातून आई और कहने लगी कि मैंने आपसे ये सवाल करना है कि क्या कपड़ों पर भी जक़ात होती है तो मैंने इंतहाई ताज्जुब से उनसे सवाल किया कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेरे पास पिछले बीस साल से कपड़ों की कलेक्शन है और तकरीबन एक छोटा स्टोर मेरा भरा हुआ है वो इतने ज़्यादा हैं कि वो कपड़ में पूरे नहीं आते तो मैंने एक स्टोर में स्टैंड्स रख के अपने कपड़े हैंगरों पे लगा रखे हैं और वो बहुत कीमती भी हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मेरी अपनी शादी के हैं और उनकी मालीय डेढ़ दो लाख रुपए से एक जोड़े की ऊपर चली जाती है फिर मेरे बहन भाइयों की शादियाँ हुई तो तब भी मैंने नए कपड़े सिलवाए और मुख्तलिफ ओकेजन्स के हैं और अब मेरे पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन है गालबन साठ या सत्तर सूट तो मेरे पास होंगे तो क्या उन पर ज़क़ात है तो ये जो इस तरह का एटीच्यूड है ये दरअसल माल को ज़ाया करने और इसराफ के ज़ुमरे में आता है लिहाजा कराम के मुताबिक हर वो पैसा जो अल्लाह तला की नाफरमानी पर ख़र्च किया जाए मिसाल के तौर पर फहाशी और उरियानी पर ख़र्च किया जाए मौसी पर ख़र्च किया जाए या ये कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया जाए ये सब इसफ के ज़ुमरे में आता है और अल्लाह रबुल्ज़त को सख्त नापसंद है अल्लाह तला ने माल जैसी नमत हमें इसलिए अता की थी कि हम इससे जो अल्लाह के बंदे हैं उनकी मसलहतें पूरी करें उनके फ़ायदे पूरे करें और अगर हम इसको अच्छे तरीके से माल को मैनेज करें तो ना सिर्फ हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं बल्कि अपने साथ और बहुत सारे लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास माल हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो जैसे आज कल अब सैलाब जदगान हमारे जो बहन भाई हैं उनको हमारी मदद की ज़रूरत है हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हमारे अपने बहन भाइयों में दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं कि हम अपने माल को वाइजली अपने ऊपर ख़र्च करने के बाद उनकी ज़रूरिया पूरी करके अपने रब को राज़ी कर सकते हैं लेकिन जब हम सिर्फ अपने ऊपर ही बेतहाशा खर्च करते चले जाते हैं और अपने आप को खुश करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं दस या बारह सूट की बजाय जो कि आजकल एक एवरेज इंसान की रोज़ाना एक सूट पहनने की जरूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास पड़े रहें तो इससे अल्लाह इज़्ज़त की नाराज़गी इसराफ की वजह से मोल लेने के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है और दूसरी तरफ बहुत सारे उन लोगों के हुकूक भी मारे गए कि जिन पर हम खर्च करके उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात दे सकते थे लिहाजा ये है इसराफ की डेफिनेशन और इसराफ दरअसल माल को ज़ाया करना है दसवें नंबर पर देखिए हमारी शरीयत ने हमें जिस काम से रोका है वो ये कि ज़्यादा खाएं नहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अदीस में पेट भर कर खाने से मना किया है इब्न उमर रसी ला कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स था उसने डकार ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने डकार को हमसे दूर कर लो दुनिया में जो लोग बहुत ज़्यादा पेट भरे के साथ गुजारेंगे क़यामत वाले दिन वो लम्बी भूख काटेंगे और यहाँ पर इस हदीस से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भर कर खाने से नफ़रत दिलाई है और इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है कि ज़रूरत के मुताबिक खाया जाए और पेट को बेजा भर आना जाए क्योंकि जो ज़्यादा खाता है वो फिर ज़्यादा पीता है और जो ज़्यादा खाता और पीता है उसे फिर नींद ज़्यादा आती है और उसकी अक्ल जाती रहती है उसका दिल सख्त हो जाता है उसका जिसम सुस्त पड़ने लगता है और फिर इबादत के लिए उसके अंदर चुस्ती नहीं रहती और फिर सबसे बड़ी बात यह है पेट भर के खाना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिकमेंडेड नहीं है और पेट भर कर खाना कुफार की निशानियों में से या सिफात में से एक है अबू हुरार रसी तु कहते हैं कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ज़माने में एक शख्स था जो के बहुत ज़्यादा खाया करता था और फिर वो इस्लाम ले आया तो हमने देखा कि उसका खाना बहुत कम हो गया हमने इस बात का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया आप वसल्लम ने फरमाया इसकी वजह यह है कि मोमिन एक आंत में खाता है जबकि काफिर सात आंतों में खाता है अब सवाल ये पैदा होता है कि आप वसल्लम की इस हदीस का मतलब क्या है तो इस से सेलमाय कराम के मुख्तलिफ अकवाल में आपसे यहाँ शेयर कर रही हूँ इसमें उनका पहला कौल ये है कि इस हदीस से मुराद ये है कि इस दुनिया से इतना ही लिया जाए जितनी जरूरत है और कनात के बेहतरीन उसूल को अपनाया जाए और दुनियादारी के हवाले से जोहत का मुजाहरा किया जाए इस इसी तरह से इबन हजर अलफत में फरमाते हैं कि यह जो आप सल्हसम ने फरमाया है कि मोमिन एक आंत में खाता है ये दरअसल एक मिसाल है कि मोमिन इस दुनिया के हवाले से ज़ुहद का मुजाहरा करता है और ज़ुहद से मुराद ये है कि दुनिया से उतना ही लिया जाए जितनी ज़रूरत है जबकि काफ़िर दुनिया के, के हवाले से हरीस होता है लालची होता है और वो हिरस में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता है तो ये जो मोमिन कम खाता है ये दरअसल इस बात की मिसाल है कि वह दुनिया से बस उतना ही लेता है जितना उसे ज़रूरत है जबकि काफिर इस दुनिया में बड़ी रगबत रखने वाला होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को समेटने के चक्कर में होता है थोड़ी सी जरूरत के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करता है तो ये फ़र्क है मुसलमान और काफ़िर के खाने में और दुनिया को इस्तेमाल करने के हवाले से इसी तरह से अगली राय के राम की यह है कि इससे मुराद ये है कि मोमिन हलाल खाता है थोड़े में भी बरकत होती है जब वो हलाल खाता है तो उसका थोड़ा भी उसके लिए काफ़ी होता है और काफ़िर हर जगह से खाता है और हराम खाता है और वो हलाल की परवाह नहीं करता ना ही वो हलाल के उसूल का पाबंद होता है और हलाल कम होता है हराम से हराम ज़्यादा है और हलाल कम है लिहाजा आप सल्हसम ने फरमाया कि मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर सात आंतों में खाता है इसी तरह उलवाए किराम का ये कहना कि इससे मुराद ये भी है कि मोमिन को तरगीब दी गई है कि वो कम ही खाना खाए क्योंकि ज्यादा खाना खाना काफिरों की सिफात में से है और जब मोमिन को यह बता दिया जाए कि कम खाना मोमिन की सिफत है और ज्यादा खाना काफिरों की सिफत है तो यकीनन साहिब ईमान काफिरों की सिफात से नफ़रत करता है और फिर उस सिफत को अपने अंदर पैदा नहीं होने देता और हम जानते हैं कि जो काफिर हैं वो दुनिया की लज्जतों को खूब समेटने की कोशिश करते हैं आपने ये मशहूर बात तो सुनी होगी चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है ये दरअसल इस बात की दावत और तरगीब है कि जितना खा सकते हो इस दुनिया को खा लो जितना समेट सकते हो यहाँ समेट लो फिर ये मौका नहीं मिलना यह सोच एक मुसलमान की नहीं होती ये सोच एक काफिर की हो सकती है क्योंकि मुसलमान को पता है कि उसे इस दुनिया से बस इतना ही चाहिए कि जिससे वो दुनिया की ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजार के अपने रब के पास चला जाए और फिर जन्नत में अल्लाह ताला उसे ऐसी नेमतें अता फरमाएंगे जो इस दुनिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शानदार और अफजल तरीन है यही वजह है तो कि अल्लाह रबुलाज़त ने सरा मोहम्मद की आयत नंबर बारह में काफिरों का इस दुनिया से फ़ायदा उठाना इस दुनिया को खाने और इस दुनिया को समेटने की एक मिसाल बयान की है और वो मिसाल क्या है व लजीना कफ़रु और ये जो काफ़िर हैं यूना वो इस दुनिया को ऐसे इंजॉय कर रहे हैं ऐसे इसे समेटते हैं वह या और ऐसे खाते हैं कमाता कुलआमो जैसा कि जानवर खाते हैं तो जैसे जानवर की कोई अकल नहीं होती वो इस ज़िंदगी को ही सब कुछ समझता है ना उसको कोई अपने माजी के बारे में पता होता है ना मुस्तबिल के बारे में कोई मंसूबा या प्लानिंग उसके जहन में होती है ना ही उसे यह पता होता है कि आख़रत की तामीर करके मुझे जन्नत में जाना है तो ये जो काफ़िर हैं ये भी जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अक्ल और समझ बूझ के अतबार से और ये दुनिया को ऐसे खाते हैं ऐसे समेटते हैं जैसे जानवर खाते हैं व ना रुमस और आगे आग इन का ठिकाना है इसी तरह से अगला कौल इस हदीस की शरह में उलमाए किराम का यह है कि मोमिन की शान ये है कि वो कम खाता है मुनासिब खुराक लेता है ताकि वो इबादत के लिए चुस्ती हिम्मत और ताकत पा सके और वो इस बात को जानता होता है कि उसकी शरीयत ये चाहती है कि वो इतना ही खाए जिससे उसकी जिस्म की ज़रूरियात पूरी हो जाए और फिर उसे इबादत अल्लाह इज़्ज़त की इबादत करने में आसानी महसूस हो और फिर मोमिन को ये भी खौफ होता है अगर उसने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो उसे इसका हिसाब भी देना है जबकि काफिर की सोच इसके बरक्स होती है तो ये जो सोच होती है ना ये हमारे जिस्म पर बहुत असरअंदाज होती है और इस हवाले से जो मोमिन है वो कम खाता है उसके खाने की रेशो कम हो जाती है जबकि काफिर के खाने की रेशो ज़्यादा हो जाती है इसी तरह से सेमाई कराम का ये कहना है कि आप सल्हसम के हदीस का ये भी मतलब है कि मोमिन जब खाना खाने लगता है तो अल्लाह रब्बुल रब्ज़त का नाम लेकर खाने का आगाज़ करता है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराने वाला होता नतीजा क्या निकलता है कि उसके खाने में शैतान शरीक नहीं होता लिहाजा मोमिन को थोड़ा सा खाना भी काफ़ी होता है जबकि काफ़िर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिए बग़ैर खाना शुरू करता है और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा खा के भी उसे अपने जिस्म में कमज़ोरी ही महसूस होती है तो यही वजह है कि आप सलील वाल ने फ़रमाया कि मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर सात आंतों में खाता है इसी तरह कराम का ये कहना है कि इस दुनिया से फ़ायदा उठाते हुए या खाना खाते हुए जो कि एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है काफिर की दरअसल सात क्वालिटीज़ उसके माइंड सेट में काम कर रही होती हैं और वो क्वालिटीज़ क्या हैं नंबर एक लालच नंबर दो जो दूसरे के पास है वो भी मुझे मिल जाए लालच की दो क़स्में हैं एक तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए एक जो दूसरे के हाथ में वो भी मिल जाए और फिर इस दुनिया से लम्बी उम्मीदें वस्ता कर लेना हिरस का शिकार हो जाना बुरी तबीयत का होना जेलसी का होना या हसद का होना मोटापे को पसंद करना और मोमिन इसके मुकाबले में सिर्फ एक ही सोच के साथ खाना खाता है कि मुझे अपने जिस्म की जरूरत बुनियादी ज़रूरिया पूरी करनी है यह है किराम के वो अखबाल जो इस हदीस की तशरीह में मैंने आपके साथ शेयर किए कि जिसमें आप अलैहि वसल्लम ने हमें यह तरगीब दी है कि ज्यादा खाने से बचें क्योंकि ये काफिर की सिफत है और आप सल्लासम ने अपनी हदीस में इसको इस तरह से बयान किया कि मुसलमान एक आंत में खाता है जबकि काफिर सात आंतों में खाते हैं तो ये हैं वो दस काम कि जिनके हवाले से हमें अपनी जिंदगी में जो मैनर सीखने हैं और यह मैनट हमारी जिंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं वो ये कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये काम नहीं करना तो आइए एक दफ़ा आज के लेसन को ख़त्म करने से पहले हम इन दस कामों को फिर दोहरा लेते हैं नंबर एक ज़्यादा हंसना नहीं है नंबर दो तो आम जिंदगी में ज़्यादा कस्में नहीं खानी और सौदा करते वक्त तो ख़ास तौर पर नहीं खानी। नंबर तीन ज़्यादा सवाल नहीं करने नंबर चार बहुत ज़्यादा नसीहतें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता नंबर पाँच तवाफ़ करते वक्त दुनियावी गुफगू ज़्यादा ना की जाए नंबर छः घर से रात के वक्त बिला ज़रूरत ना निकला जाए नंबर सात हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान ना किया जाए नंबर आठ अपने मिलने जुलने वालों दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के घर बहुत ज़्यादा ना जाया जाए उनको विजिट ना किया जाए नंबर नौ ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को कंज्यूम ना किया जाए चाहे वो खुराक है चाहे वो पीना है चाहे वो पहनना है या कुछ भी है और नंबर दस बहुत ज़्यादा ना खाया जाए ज़्यादा ना खाया जाए तो ये वो दस काम हैं कि जिनके बारे में हमारी शरीय हमें आगाह करती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये अदब सीखना चाहिए कि ये दस काम हमें ज़्यादा नहीं करने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन को सीखने के लिए वक्त निकालने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और फिर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए